आज की वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान, कौन से स्ट्राइक प्राइसेस हम ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट रेंज कहां पर बना सकता है, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। सो गाइस, अगर आपको डेली चार्ट में दिख रहा है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है एंड एज ऑलवेज अगर हम 50 EMA लगाते हैं, सो आपको क्या दिख रहा है अगेन कि 50 EMA कंसोलिडेशन में ही है, यानी प्राइस इज अराउंड 50 EMA ओनली और आपको कोई मेजर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। लास्ट एक महीने से पूरा कंसोलिडेशन ही चल रहा है, राइट? आपको क्लियर पॉइंट्स दिख रहे हैं कंसोलिडेशन के और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंसोलिडेशन कभी एंड होने वाला है? आप सिंपली एक्सपेक्ट कर सकते हो जब ही ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट जो है एंड लोएस्ट पॉइंट जो है, राइट, उसका हम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बोल पाएंगे इसको निफ्टी को। सो डेली चार्ट में हमें ये दिख रहा है गाइस सिंपली दैट निफ्टी इज इन अ रेंज। तो हमको क्या चीजों के साथ वर्क करना है? ऑब्वियसली हमें साइडवेज स्ट्रेटजीज के साथ वर्क करना है। कब तक? जब तक ये दोनों लेवल्स नहीं टूटते हैं। हमने ये डिसाइड कर लिया कि निफ्टी इज साइडवेज ऑन डेली चार्ट, तो हम न्यूट्रल स्ट्रेटजीज के साथ ही वर्क करेंगे। क्या हम डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। Why? Because market is not trending. Also guys, ये market का सिर्फ एक phase है consolidation का। सब लोग को लग रहा है यार कि maybe SEBI के rules के वजह से ये massive change तो नहीं आ गया और ये क्या एक permanent change है या नहीं? I can almost assure you कि ये permanent definitely नहीं है और ये सिर्फ market का phase है। जैसे मैंने बताया, आपको हर time दिखेगा कि consolidation के बाद एक trend जरूर आता है और हमेशा trend के बाद consolidation आता ही है। So ऐसे कुछ major changes नहीं होंगे market structure में। Market trend जरूर करेगा वापस से एंड कंसोलिडेट भी जरूर करेगा। सो वी हैव टू वेट फॉर द राइट मोमेंट एंड स्पेशली जो ट्रेंड फॉलोअर्स हैं उनके लिए काफी डिफिकल्ट टाइम्स है। आज भी अगर आप देखोगे तो इट वॉज अ प्रीटी चॉपी डे। 15 मिनट्स का चार्ट अगर देखते हैं तो ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, सो काफी वॉलेटाइल था, राइट? कुछ मेजर आपको ट्रेंड अच्छे से नहीं दिख रहा है ऑन निफ्टी और ऑन बैंक निफ्टी। सो सिंपली गाइस, डेली चार्ट में कंसोलिडेशन हमको क्लियरली दिख रहा है। सो व्हाट वी हैव टू वर्क विद इज न्यूट्रल स्ट्रेटजीज, राइट? सो नाउ लेट्स गो ऑन आवरली चार्ट और हम देखेंगे कि हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। एंड आवली चार्ट में आपको ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज होने वाला है दिख रहा है, इट्स अराउंड 326, राइट? 4 मिनट्स में मार्केट क्लोज होने वाला है। बट आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा गाइस कि ये अच्छे से मार्केट क्लोजिंग दे रहा है, मुझे एक बुलिश क्लोजिंग लग रही है बिकॉज ये पीवट पॉइंट के ऊपर मार्केट ने अच्छे से एक क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, राइट? और आपको इसके बाद रेजिस्टेंस कहां पर दिख रहा है? अराउंड 14,740 पे मार्केट क्लोज करने की कोशिश कर रहा है एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज अराउंड दिस एरिया। आपको ये दिख रहा है इट्स अराउंड 14,880 लेवल्स व्हिच इज अराउंड 150 पॉइंट्स हाई। सो इजीली मार्केट ये लेवल्स टेस्ट कर सकता है। व्हाई? बिकॉज ये पीवट पॉइंट के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। बट जैसे हमने डेली चार्ट में बात किया था गाइस कि मार्केट इज स्टिल इन अ कंसोलिडेशन मोड एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि मार्केट बहुत स्लोली ऊपर मूव करेगा या अगर वापस से नीचे भी आ जाता है तो वी हैव टू टेक द व्यू अकॉर्डिंगली। तो हम न्यूट्रल स्ट्रेटजी से ही काम करेंगे, यानी आप कैलेंडर स्प्रेड यूज कर सकते हो या आप स्ट्रैंगल्स यूज कर सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट इज स्ट्रैंगल्स, सो आई विल बी यूजिंग स्ट्रैंगल्स एज ऑलवेज। आपको पता होगा अगर आप पहले से मेरे वीडियोस देखते हो, राइट? और दूसरी बात, अगर आप बेरिश व्यू की बात करोगे तो बेरिश व्यू कभी से हम शुरू कर सकते हैं अराउंड दीज लेवल से, राइट? तो इसके ऊपर मैं प्रेफर करूंगा गाइस, जब अभी मार्केट क्लोजिंग दे रहा है, इट इज लुकिंग वेरी गुड फॉर अ बुलिश स्ट्रैंगल। यानी आपको क्या करना है, सिंपली पुट का प्रीमियम थोड़ा कॉल से हाई रखना है। यानी आप लेट्स से 40 रुपीज का स्ट्रैंगल जनरली बेचते हो तो आपको क्या करना है, 30 रुपीज का पुट लेना है एंड 10 रुपीज का कॉल लेना है। और अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव हो तो आप 25 रुपीज का पुट ले सकते हो एंड 15 रुपीज का कॉल ले सकते हो, राइट? तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा पुट डीके करेगा, तो आपको एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में पुट से ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके रेंज में ही रहा एक्सपायरी में तो आपको पूरा प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म में अगर आप 2-3 दिन के लिए ही खेल रहे हो तो आपको डेफिनेटली अप मूव में बेनिफिट होगा। बट अगर मार्केट साइडवेज भी चले जाते हैं और दोनों साइड के ऑप्शंस डीके हो जाते हैं तभी भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, राइट? तो इसलिए मैं स्ट्रैंगल्स प्रेफर करता हूँ स्पेशली इन दिस एनवायरनमेंट। आपको आवली चार्ट में दिख रहा है कि बहुत कंसोलिडेशन बड़ा चालू है एंड कभी एंड होगा ये कोई भी बता नहीं सकता है। कोई भी आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करो या कुछ भी बोलो, कोई भी नहीं बता सकता है, नॉट इवन गॉड हिमसेल्फ, राइट? तो हमको सिंपली वर्क करना है, जो मार्केट हमें दिखा रहा है हमें वैसे ही ट्रेड करना है। सो सेम वेज इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है, जो ऑलमोस्ट दे देगा आई गेस, 1 मिनट में मार्केट क्लोज होने वाला है, सो हम बुलिश स्ट्रैंगल्स के साथ काम करेंगे। कब तक? जब तक एटलीस्ट ये लेवल नहीं टूटता है, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो वी कैन इजिली एक्सपेक्ट अराउंड 15,000 लेवल्स टू बी टेस्टेड, राइट? और अगर 15,000 ब्रेक होता है देन तो डेफिनेटली वी हैव टू बी बुलिश ओनली। सो ये पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद भी आपको कंप्लीटली बुलिश नहीं होना है। व्हाई? सिंपली बिकॉज आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 15,000 विल बी अ वेरी वेरी बिग रेजिस्टेंस। आपको पहले भी दिख रहा होगा कि मार्केट ने काफी टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, राइट? आपको 3 पॉइंट्स तो यहाँ पर ही दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। सो इसके ब्रेकआउट के बाद भी हमें कंप्लीटली बुलिश नहीं होना है एंड इनफैक्ट आई वुड स्टिल प्रेफर अ वेरी बुलिश स्ट्रैंगल। यानी अगर अभी जैसे हमने बात किया कि 25 रुपीज का हम पुट रखेंगे और 15 रुपीज का कॉल रखेंगे, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, 30 रुपीज का पुट रख सकते हो एंड 10 रुपीज का कॉल रख सकते हो टू मेक इट इवन मोर बुलिश अगर ये लेवल चले जाता है तो। एंड स्पेशली गाइज, आउट ऑफ द मनी पुट्स में बहुत ज्यादा प्रीमियम्स है,
तो आप अगर 14,200 का पुट देखोगे तो इट इज वेरी जूसी, यानी बहुत ज्यादा प्रीमियम है, वर्सेस अगर आप 15,000 का भी कॉल देखोगे तो आई गेस बहुत ज्यादा प्रीमियम इसमें नहीं है। सो डेफिनेटली अगर आप 500 पॉइंट्स नीचे के पुट का देखोगे प्राइस और 500 पॉइंट्स ऊपर के कॉल ऑप्शन का देखोगे, आपको बहुत वास्ट डिफरेंस दिखेगा एंड पुट्स आर मोर देन डबल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो आपको पुट्स में आप काफी ओटीएम जाके भी अच्छा प्रीमियम चूज कर सकते हो, सो डेफिनेटली दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो सिंपल प्लान, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, तो व्हाट वी कैन डू इज टेक अ बुलिश ट्रायंगल ओवर हियर, एंड कब तक हम बुलिश रखेंगे, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है गाइस, तो हम क्या करेंगे, सिंपली बेरिश ट्रायंगल शुरू कर देंगे, यानी कॉल्स को हम ज्यादा हैवी रखेंगे। तो आप 30 रुपीज का कॉल बेचो, 15 रुपीज का पुट बेचो या 20 रुपीज का पुट बेचो, राइट। सो 30 रुपीज का कॉल, 20 रुपीज का पुट, वेरी सिंपल। यानी इसके नीचे आप डेफिनेटली कॉल क्रेडिट स्प्रेड्स कर सकते हो, नेकेड कॉल्स सेल कर सकते हो या पुट डेबिट स्प्रेड्स कर सकते हो। अगर आपका व्यू बहुत ज्यादा डायरेक्शनल है इस पॉइंट के नीचे, जो मेरा होगा बेरिश साइड पे, तो मैं यहाँ पर पुट डेबिट स्प्रेड्स इजिली ले सकता हूँ, बिकॉज अगर डाउन मूव अच्छा खासा आता है तो आपको वहां पर काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। एंड अगर आपको नेकेड स्ट्रैटेजीज नहीं पसंद है जैसे ट्रायंगल्स, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप आयन फ्लाइज या आयन कॉन्डोर्स यूज कर सकते हो। अगर आपको इन सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं पता, मैं आपको यहाँ पर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आपको यहाँ पर एक पॉपअप दिख रहा होगा राइट टॉप राइट में, आप वहां पर जाके सारे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज देख सकते हो। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी गाइस, एंड बैंक निफ्टी को हम डेली चार्ट से एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि उस पर हमारा क्या व्यू बन सकता है। सो एज ऑलवेज 50 MA की अगर बात करें, अगेन 50 MA पे ही है बैंक निफ्टी, यानी कंसोलिडेशन वहीं पर चल रहा है, तो हम मेजर ट्रेंड अभी तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम मार्केट को फॉलो करेंगे, यानी हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे मार्केट कहां पर जाने वाला है, मार्केट जहां पर भी जा रहा है हम उसको एनालाइज करेंगे एंड वैसे अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे। सो दैट विल ऑलवेज वर्क इन योर फेवर गाइस, सिंपली बिकॉज हम मार्केट के साथ जा रहे हैं, हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि मार्केट कहां पर जा सकता है या मार्केट कहां पर जाएगा, राइट। हम मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, अ वेरी बिग डिफरेंस, और आपको ये बहुत हेल्प करेगा। सो डेली चार्ट में आपको सिंपली दिख रहा है मार्केट इज इन अ रेंज जस्ट लाइक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकर है एज कम्पेयर टू निफ्टी। सिंपली अगर आप चार्ट देखोगे तो ऑल टाइम हाई से काफी दूर है, वेर एज निफ्टी इज कंपेरेटिवली नियरर, राइट। तो अगर आप परसेंटेज वाइज भी देखोगे, सो लेट्स जस्ट सी, अगर परसेंटेज वाइज प्राइस रेंज निकालते हो, आज के क्लोजिंग से ऑल टाइम हाई कितना दूर है निफ्टी के लिए, इट्स अराउंड 4.75%, राइट। वेर एज अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे, बैंक निफ्टी में आपको ऑलमोस्ट 10-15% दिखेगा एटलीस्ट, यस परफेक्ट। सो 15% का आपको दिख रहा है कि बहुत दूर है बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई वर्सेज निफ्टी का, राइट। तो बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली वीकर देन निफ्टी, बट बैंक निफ्टी एक बड़ा वाइल्ड एनिमल है एंड बड़े बड़े कैंडल्स जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 2% का 4% के कैंडल्स बना के बैंक निफ्टी कैन इजिली कवर अप, राइट। तो इसलिए हमें बैंक निफ्टी में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, एंड डेली चार्ट में तो हमको सिंपली कंसोलिडेशन ही दिख रहा है, एंड कब तक हमारा व्यू कंसोलिडेशन का रहेगा, ये पॉइंट पे एंड ये पॉइंट पे, राइट। तो मेजर डायरेक्शनल व्यू हम इन पॉइंट्स के बाद ही लेंगे, एंड आवली चार्ट पे देखते हैं कि हम प्रिसाइज व्यू क्या ले सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। आगे बढ़ने के पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है गाइस, तो मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन, क्योंकि ये चैनल को बहुत हेल्प करता है ग्रो करने में। लेट्स गो अहेड विद द बैंक निफ्टी व्यू राइट नाउ। एक और चीज आपको दिखेगी गाइस कि बैंक निफ्टी काफी ज्यादा कंप्रेस हो चुका है, एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बायस अपना बोलूं तो थोड़ा सा बुलिश साइड पे है। व्हाई? बिकॉज आपको ऐसा पैटर्न जब भी दिखता है तो मुझे ये काफी अच्छा लगता है, यानी आपको एक सेल ऑफ दिख रहा है, एक हायर लो दिख रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर सेल ऑफ आया, मार्केट रिकवर किया, वापस से नीचे आने की कोशिश किया, एंड मार्केट हैज अगेन गॉन अप। तो बट इसका जो ये लो बना है ये लो के ऊपर है, राइट। तो दिस लो इज लोअर देन दिस लो, यानी यहाँ पर हायर लो बना है और मार्केट इज कंसोलिडेटिंग हियर। ऑल्सो आपने निफ्टी में देखा होगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है, लेट्स जस्ट सी द निफ्टी चार्ट, हियर यू गो। सो आपको इस दिन का ब्रेकआउट मिल चुका है, यानी 4 मई का हाई का, वेयर एज बैंक निफ्टी में आपको ब्रेकआउट नहीं मिला है। सो एक आवरली कैंडल का क्लोज जब भी इस पॉइंट के ऊपर हमें मिलता है, वी कैन इजिली एक्सपेक्ट विच लेवल्स अराउंड दीज लेवल्स, ये लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में, विच इज अराउंड 33,500 लेवल्स, राइट। तो ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट्स का अप मूव हमें देखने को मिल सकता है अगर इस पॉइंट के ऊपर हमें एक आवरली कैंडल का क्लोज मिलता है। तो इमीडिएटली जब ये लेवल ब्रेक होता है, अगर ब्रेक होता है तो ये बुलिश व्यू इनवैलिडेट हो जाएगा। 32,000 या 31,900 के नीचे यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद बेरिश ट्रायंगल्स, यानी सिंपली कॉल को आपको ज्यादा हैवी रखना है एज कम्पेयर टू पुट्स। और ये लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, वी विल स्टार्ट बीइंग बुलिश, यानी बुलिश ट्रायंगल्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो हमको कंप्लीटली बुलिश नहीं जाना है। एंड 34,500 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलता है, या 34,300 भी बोल सकते हो, सो 34,300 के ऊपर अगर हमें आवरली कैंडल का क्लोज मिलता है, यू कैन डेफिनेटली गो हेड एंड बी कम्प्लीटली बुलिश। यानी अगर आपको नेकेड रखना है तो यू कैन बी विद पुट सेल्स, और अगर आपको हेज रखना है तो आप पुट क्रेडिट स्प्रेड्स यूज कर सकते हो।
राइट. सो वेरी सिंपल, अगेन रिपीट करता हूँ, इसके ऊपर हम बुलिश स्ट्रैंगल देंगे जब भी आवली कैंडल का क्लोज एटलीस्ट मिलना चाहिए हमें 33,000 के ऊपर, राइट. और ये इनवैलिडेट कभी होगा, ये व्यू होगा इनवैलिडेट यहाँ पर, यानी 31,900 के नीचे अगर हमें आवली कैंडल का क्लोज मिल जाता है, वी विल चेंज द बुलिश बायस टू बेरिश बायस. यानी लेट्स से आपने यहाँ पर पुट महंगे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको कॉल महंगे रखने हैं. एंड आप मेजर डायरेक्शनल व्यू कभी लेना है 34,300 और 3,400 के नीचे, राइट. सो 3,400 के नीचे अगर एक आवली कैंडल का क्लोज मिल जाता है, यू कैन बी कम्प्लीटली बेरिश. वेर एज 34,300 के ऊपर अगर आवली कैंडल का क्लोज मिल जाता है, तो आप कंप्लीटली बुलिश हो सकते हो. अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में.